हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डू द एक्सरसाइज चैप्टर 13 लिटिल थिंग्स। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज व्हाट मेक्स द ओशन माइटी, यानी कि महासागर को शक्तिशाली क्या बनाता है। आंसर इज द लिटिल ड्रॉप ऑफ वाटर इन इट मेक्स द ओशन माइटी। छोटी छोटी बूंदे पानी की ओशन को, महासागर को विशालकाय यानी कि शक्तिशाली बनाती है। क्वेश्चन बी, वेयर टू आर लिटिल एरर्स लीड द सोल, मतलब हमारी छोटी छोटी गलतियां जो है वो हमारी आत्मा को कहाँ ले जाती हैं। द आंसर इज आर लिटिल एरर्स लीड आर सोल टू स्ट्रे इन सिन, मतलब हमारी आत्मा को हमारी गलतियां भटका देती हैं और बुराई की तरफ ले जाती हैं। क्वेश्चन सी, विच आर द थिंग्स दैट मेक्स द अर्थ मोर लाइक हेवन, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो धरती को स्वर्ग जैसा बना देती हैं। आंसर इज लिटिल डीड्स ऑफ कंपैशन एंड काइंडनेस, हमारे दयालुतापूर्ण कार्य एंड लिटिल वर्ड्स एक्सप्रेसिंग लव केयर मेक द अर्थ मोर लाइक हेवन, और हमारे कहे हुए प्यार भरे शब्द जो हैं धरती को स्वर्ग सा बना देते हैं। सेकेंड एक्सरसाइज, व्हाट डू दे मेक, मतलब इन छोटी छोटी चीजों से क्या बनता है। लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर मेक्स माइटी ओशन। बी, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड क्या बनाते हैं, प्लेजेंट लैंड। लिटिल मोमेंट्स क्या बनाते हैं, माइटी एजेस। लास्ट सेंटेंस ऑफ टुडे, लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, दयालुतापूर्ण छोटे छोटे कार्यों से क्या होता है। आंसर इज हैप्पी अर्थ, खुशहाल पृथ्वी बनती है। अगर आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।